हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको ये देख सकते हैं कितना अच्छा रसगुल्ला लग रहा है। कोई देख के कह सकता है कि इन रसगुल्लों को मैंने आटे से बना के तैयार किया है। तो सच सुना आपने, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। कोई बोल ही नहीं सकता कि आपने खोए या मावा से बना के तैयार नहीं किए हैं, ये आटे से बना के तैयार किए हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इसी कटोरी से मैंने आधा कटोरी इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया और एक कटोरी मैं इसमें आटा ऐड कर रही हूँ। तो आप मेज़रमेंट का विशेष ध्यान दें। अगर आप इस मेज़रमेंट से बनाएंगे तो आपके रसगुल्ले बिल्कुल मार्केट की तरह बनके तैयार होंगे, और वो भी आटे से। अब मैं इसमें ये आधा चम्मच से भी कम सोडा ऐड कर रही हूँ। सोडा मैंने लगभग इसमें 2 पिंच ही ऐड किया है, ज़्यादा नहीं किया है। और सोडा आप ज़्यादा ऐड भी ना करें। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ। घी इतना आपको ऐड करना है कि आप इसमें मोइन लगा सकें। तो ये रसगुल्ले मैंने डायरेक्ट मिठाई वाले से, यानी कि जो मिठिया होती हैं, मिठाई बनाती हैं, उन्हीं से ही पूछे हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं के ही बनाए हुए ये रसगुल्ले बता रही हूँ। तो ये देखिए, इसी तरह से मैं अच्छे से मिक्स करती रहूँगी और इसमें एक अच्छा सा मोइन लगा के तैयार करूँगी। तो ये देखिए, आज के बाद आप भी डाउट में पड़ जाएंगे कि दुकान वाले सच में आटे के रसगुल्ले तो नहीं बनाते हैं शायद, क्योंकि इनका टेस्ट भी सेम वैसे ही आएगा। तो ये देखिए, इसी तरह से मोइन लगाना है कि आप किसी भी प्रकार से पकड़ें तो इसका एक लड्डू बनने लगे। तो ये मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसमें गरम दूध ऐड कर रही हूँ। आप ध्यान रखें, दूध आपको इतना गरम लेना है कि आप उसको टच कर सकें, इतना ही आपको गुनगुना दूध लेना है। अब मैं इसका एक आटा बना के तैयार करूँगी, वो भी सॉफ्ट आटा। तो बराबर से मैं इसको धीरे धीरे करके एक आटा ही बना के तैयार करना है। ये देखिए, जिस तरह से आप पूड़ी का बनाते हैं, लेकिन ये हल्का सा सॉफ्ट हो। बस इस बात का ध्यान दें, आटा अगर आप अच्छा बना लेंगे तो ये रसगुल्ले आपके बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाएंगे। इसको अच्छे से, जिस तरह से आप मावा कसकस के मसलते हैं, इसी तरह से हाथ से अच्छे से मसलना है, जिससे ये एक अच्छा आटा बन के तैयार हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट रहे। इसी तरह से आपको इसको मसलना है और ये आटा जल्दी ही रेडी हो जाएगा। मैंने इसको कम से कम 3 से 4 मिनट अच्छे से इसी तरह से मैं मसलती रही और ये आटा बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, बिल्कुल मावा की तरह ही लग रहा है देखने में ही। और इसके जो रसगुल्ले बन के तैयार होंगे, वो भी आपके बिल्कुल मार्केट की तरह ही रसगुल्ले बन के तैयार होंगे। अब ये आटा बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपको ये ज़रूर करना है, जिससे जो रसगुल्ले हैं उनमें बीच में भी गांठ नहीं आएगी। तो इसी तरह से मैं इसीलिए इसको अच्छे से बीट कर रही हूँ, यानी कि अच्छे से मसल रही हूँ। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं ये देखिए, गोली बना के तैयार की है, जिस तरह से रसगुल्ले की बन के तैयार होती है, लेकिन मैं इसमें बीच में एक किशमिश रख रही हूँ। रसगुल्ले में किशमिश का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैंने एक किशमिश रख दी है। आप ये मत सोचें कि वो गांठ पड़ जाएगी या कुछ भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी ही रसगुल्ले बन के तैयार होंगे। इस तरह से मैंने सारे रसगुल्ले बना के मैं तैयार कर लूँगी। और मैंने एक साइड कढ़ाई भी रख दी है, उसमें वाइल भी डाल दिया है। ये देखिए, वाइल किस तरह से गर्म है, अब मैं चेक कर रही हूँ। छोटा सा ये गोली डाल के तो हल्के से बुलबुले उठने लगे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है वाइल। इतने ही आपको स्लो फ्लेम पर रखना है, यानी कि जो गैस की फ्लेम है आप स्लो ही रखें और वाइल भी बहुत कम गर्म हो, क्योंकि रसगुल्ले बहुत स्लो फ्लेम पर ही फ्राई किए जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इतने से रसगुल्ले कितने बड़े हो जाते हैं थोड़ी ही देर में। तो इस तरह से मैं इनको फ्राई करती रहूंगी। और अब रसगुल्ले को बिना टच किए हुए आप ऑयल को हिलाते रहें और ये रसगुल्ले अपने आप ही धीरे धीरे करके फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए, और कोई देख कर भी नहीं कह सकता और ना ही खा के कह सकता है, जब तक आप बताएंगे नहीं कि ये रसगुल्ले आपने आटे से बना के तैयार किए, कोई पता ही नहीं लगा सकता। ये देखिए, अब मैं धीरे धीरे करके इनको इसी तरह से, आपको ध्यान रखना है रसगुल्ले जब आप फ्राई करें तो इसी तरह से ही फ्राई करें कि आपको वाइल को हिलाना है लेकिन रसगुल्ले को टच नहीं करना है। ये देखिए, और जल्दी ही इनका अच्छा कलर आ जाएगा। लेकिन आप जल्दी में ना इनको फ्राई करें, आप इनको स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करते रहें। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ चुका है इनका। अब थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखिए, कोई बोल ही नहीं सकता कि ये रसगुल्ले आपने आटे से बना के तैयार किए हैं। मैंने शुगर सिरप बना के रखा हुआ था, तो इसीलिए मैं गरम गरम शुगर सिरप में इनको डाल रही हूँ।
शुगर सिरप बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, आपको हल्का ही शुगर सिरप गर्म हो, और उसमें ही मैंने ये रसगुल्ले डाल दिए हैं। अब आप इनका साइज़ देखिए कितने बड़े हो गए हैं, ये देखिए अच्छा खासा ये शुगर सिरप अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत छोटी साइज़ से बहुत बड़े हो जाते हैं, इसीलिए मैंने कई रसगुल्ले बहुत छोटे छोटे बनाए थे। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, मैं आपको दबा के दिखा रही हूँ। तो इतने अच्छे रसगुल्ले आप घर पर वो भी सिर्फ आटे से ही बना के तैयार कर सकते हैं। शुगर सिरप आप इस तरह से बना के तैयार करें, शुगर सिरप में मैंने एक बाउल चीनी ली थी और एक ही बाउल मैंने उसमें पानी डाल दिया था, और किसी तार का नहीं बनाना है शुगर सिरप, आप नॉर्मल ही बनाएं। जब आपकी चीनी मेल्ट हो जाए तो उसको एक दो मिनट और बॉयल करें। अगर आपको ये पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।